नमस्कार दर्शकों, आइए आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समय की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये वीकडेज बने। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, उसी क्रम को आगे ले चलते हैं। ग्रहों की दृष्टि, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा मंगल की तो तीन दृष्टि होती है, शनि की तीन दृष्टि होती है, बृहस्पति की तीन दृष्टि होती है, सूर्य की एक ही दृष्टि होती है। दोस्तों, कभी पूछना उनसे ऐसा क्यों होता है। किसी व्यक्ति से जो ज्योतिष के बारे में जानकारी रखता हो, कभी एक सवाल कर लो, ये तीन दृष्टि होती है, किसी की एक दृष्टि होती है, आखिर होती क्यों है, कारण क्या है? क्या किसी की तीन आंखें हैं किसी ग्रह के, किसी की एक आंख है, और आंखें हो कैसे सकती है? फिर दृष्टि शब्द क्यों दिया गया? दोस्तों, आपको वैज्ञानिक आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, कथा कहानियों के माध्यम से नहीं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ज्योतिषीय गणना के लिए पृथ्वी को केंद्र मानकर जब ग्रहों के स्थान को निर्धारित किया गया तो उससे वीकडेज बने, समय की उत्पत्ति हुई। अब जब इस क्रम को निर्धारित किया गया तो दोस्तों, आप देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में रोशनी अगर कोई दे रहा है तो वो सूर्य दे रहा है। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, पृथ्वी से ऊपर तीन ग्रह हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच में तीन ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र और चंद्रमा। सूर्य से ऊपर जब पृथ्वी से हम देख रहे हैं दोस्तों, तो पृथ्वी के बाद में मंगल, बृहस्पति और शनि। दोस्तों, कुछ हिंट मिला आपको इस चीज से? ऊपर जितने भी प्लैनेट हैं, तीन प्लैनेट हैं दोस्तों, मंगल है, शनि है और बृहस्पति। ये तीन प्लैनेट ऊपर है, पहले मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है, सीधा हम तक, पृथ्वी तक भी आ रहा है। साइंस की भाषा में कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का मतलब है प्रकाश का सिद्धांत। दोस्तों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कैसे सूर्य की रोशनी परिवर्तित होकर सभी ग्रहों से हमारी पृथ्वी तक आ रही है। सूर्य की रोशनी ग्रहों से परिवर्तित होकर जब हमारी पृथ्वी पर आ रही है तो हम इन ग्रहों का प्रभाव मानव पर, इस प्रकृति पर देखते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके सभी के बारे में जानने के लिए ही ये ज्योतिष शास्त्र की रचना की गई। दोस्तों, जब सूर्य की रोशनी शुक्र पर पड़ेगी तो पृथ्वी तक कैसे पहुंचेगी, जरा इस पिक्चर के माध्यम से देखिए और समझिए। सीधी आप यहां पर शुक्र सूर्य और पृथ्वी के मध्य में है, इसलिए सूर्य की किरणें सीधे हम तक पहुंच रही हैं। सीधे आप तक आएगी दोस्तों, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो शुक्र ग्रह है ये सीधे आपके संपर्क में है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि शुक्र की एक ही दृष्टि होती है अपने से सप्तम। सप्तम मतलब दोस्तों बिल्कुल सीधी, 180 डिग्री। अब उसके बाद लीजिए बुध को, बुध से भी आपको सीधी रोशनी मिलेगी, पृथ्वी पर सूर्य से बुध पर और बुध से पृथ्वी पर सीधी दृष्टि आएगी, सीधी रोशनी मिल रही है दोस्तों आपको। इसलिए कहा गया बुध की भी एक ही दृष्टि होती है अपने से सप्तम, यानी 180 डिग्री पर।
चंद्रमा को लीजिए दोस्तों, यही नियम चंद्रमा पर लागू है। इसीलिए कहा गया कि चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि होती है। एक ही दृष्टि का मतलब है सूर्य से आने वाली रोशनी उस ग्रह पर पड़ती है और सीधी हम तक पहुंचती है। इसीलिए कहा गया दोस्तों उसकी एक ही दृष्टि होती है। सूर्य स्वयं तो हमें रोशनी दे ही रहा है, इसलिए उसकी भी सप्तम दृष्टि हो गई। तो चार प्लैनेट हमें ऐसे मिले जिनकी की एक ही दृष्टि होती है, वो होती है अपने से सप्तम दृष्टि, बिल्कुल स्ट्रेट सामने 180 डिग्री। अब दोस्तों बात करते हैं ऊपर जो तीन प्लैनेट है, मंगल की बात की गई। मंगल पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, अभी रोटेट हो रहा है दोस्तों, ये रोटेशन इनका आगे पीछे चलता रहता है। इस पर भी वीडियो बना के बताऊंगा मैं आपको कि ग्रहों की स्थिति कैसे निर्धारित होती है, उनका क्रम कैसे निर्धारित होता है, कौन कितना आगे पीछे हो सकता है मैक्सिमम, ये मैं बताऊंगा दोस्तों आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जो ग्रह ऊपर है, जब सूर्य की रोशनी ऊपर पड़ती है तो वहां से वो परिवर्तित होकर जब पृथ्वी पर आती है तो जितना डिग्री वो झुके हुए हैं। दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि मंगल अपने कक्ष में कितने डिग्री झुका हुआ है, उसके आधार पर यह तय हुआ कि इनकी रोशनी किस तरीके से परिवर्तित होगी। मंगल के लिए कहा गया अपने से चौथी, अपने से सातवीं और अपने से आठवीं, यानी ये तीन दृष्टियां निर्धारित कर रही है कि सूर्य से जब रोशनी मंगल पर जाती है और मंगल जितने डिग्री झुका हुआ है उसके आधार पर ये रोशनी परिवर्तित होकर जब पृथ्वी पर आ रही है तो पृथ्वी के जिस भूभाग पर ये दृष्टि पड़ रही है, जो रोशनी पड़ रही है, वो कितने एंगल में आपको कितने डिफरेंट डिग्रीज पर आपको इसका फल दे देगी, ये उसके आकार और उसके झुकने का कितना डिग्री वो मूव कर रहा है, कितना डिग्री झुका हुआ है, ये उसके आधार पर तय होता है दोस्तों। अब बात करते हैं बृहस्पति की। इस पिक्चर में आपको यह पता लग रहा होगा कि बृहस्पति यानी जुपिटर अपने कक्ष में कितना डिग्री झुका हुआ है। बृहस्पति की कहा गया अपने से पंचम, अपने से सातवीं और अपने से नवीं। यह दृष्टि भी निर्धारित करती है कि बृहस्पति कितना डिग्री झुका हुआ है और जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है और वहां से परिवर्तित होकर के जब वो पृथ्वी पर आती है तब ये उस मनुष्य के जीवन के कितने हिस्सों को, कितने स्थानों को ये प्रभावित करती है, पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को, नवम स्थान को। अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो दोस्तों आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। सप्तम दृष्टि मतलब 180 डिग्री, शनि से यह परिवर्तित होकर आ रही है। दोस्तों इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि शनि अपने कक्ष में कितना डिग्री झुका हुआ है। शनि कितने डिग्री झुके हुए हैं, सूर्य की किरणें शनि पर जाती हैं, शनि से परिवर्तित होकर के जब पृथ्वी पर आ रही हैं तो कहा जाता है कि इसकी भी तीन दृष्टि है, अपने से तीसरी, अपने से सातवीं और अपने से दसवीं। जितनी दूरी पर जो प्लैनेट है, जो उसका साइज है, जितने डिग्री वो झुका हुआ है, उसके आधार पर यह तय किया गया दोस्तों कि परिवर्तित होकर आने वाली किरणें कितनी डिग्री अंश पर जाकर के वो पृथ्वी के उस भूभाग पर जन्म लेने वाले बालक के जीवन के कितने पहलुओं को प्रभावित करेगी। दोस्तों साइंटिफिक है ये,
इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहों की दृष्टि। कभी मन में प्रश्न नहीं आया दोस्तों, ग्रहों की दृष्टि का क्या मतलब? क्या आंख होती है उनके ग्रहों की? क्या मतलब होता है ग्रहों की दृष्टि का? अपने से सातवीं दृष्टि होती है, हमने भी मान लिया, हमने भी समझ लिया। समझो दोस्तों क्यों होती है, क्यों कहा गया। आज आपको इस वीडियो को देख करके ये बात तो समझ आ गई होगी कि ग्रहों की दृष्टि का मतलब क्या होता है। सूर्य से परिवर्तित होकर आने वाली सूर्य की किरणें अन्य ग्रहों से जब परिवर्तित होकर आती हैं, तो उस परिवर्तित किरणों के आने का जो तरीका है, किस तरीके से हम तक आ रही है, उसे स्थान दिया गया डिग्री के माध्यम से कि कितने डिग्री पर कितनी दृष्टि किसकी पड़ेगी। इसे और अच्छी तरह से दोस्तों समझना चाहते हो तो एक चीज और समझिए दोस्तों। जैसे आप कॉनकेव लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो आपने वो ने लेंस सुना होगा दोस्तों। जब आप उन लेंस को कभी सूर्य की किरणों के सामने करते हैं और थोड़ा सा मूव करते हैं, तो आप देखिए उसकी किरणें, सूर्य किरणें परिवर्तित होकर के और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाती है। दोस्तों यही सिद्धांत ज्योतिष के अंदर लागू होता है। इसी परिवर्तित रोशनी के विज्ञान को देखने समझने का माध्यम है ज्योतिष, और कैसे इंसान के जीवन को प्रभावित करता है यही सिद्धांत है ज्योतिष का। आज आपको साइंटिफिकली ये पता लग गया होगा कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर के मैं आपके सामने फिर आऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।